बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे। भक्तजनों सावन के महीने अथवा श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कावड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कावड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कावड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कावड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपका सावन का महीना शुरू हो गया और भक्त जगह जगह से कावड़ भरकर गंगा जल ला रहे हैं और आपको नहला रहे हैं, इससे आपको कितनी खुशी होती है? प्रिय सावन का महीना मेरा प्रिय मास है। इस महीने मेरे भक्त गंगा से जल लाकर मुझे स्नान कराते हैं। प्रिय, मैं एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए वह बहुत कष्ट उठाते हैं, उनके पाव में छाले पड़ जाते हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारते। इस महीने जो भी मेरी पूजा याचना दिल से करता है, उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक बार की बात है, राजा सगर, जिसके 60,000 पुत्र थे, उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने पूरी गंगा को ही पी लिया। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। प्रभु यह तो ठीक है, मगर कभी आपने कावड़ यात्रा की है, आपने महसूस किया है इन भक्तों का दर्द? प्रिय, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कभी आप भी कावड़ उठाकर देखिए कैसा लगता है, मगर भगवान के रूप में नहीं, मानव के रूप में। ठीक है प्रिय, आज मैं भी कावड़ लेकर चलूंगा, देखता हूँ कैसा लगता है। माता पार्वती शिव भगवान से कहती है, प्रभु मगर हम भेष बदल कर चलेंगे। फिर दोनों अपना भेष बदल लेते हैं और धरती की ओर चल देते हैं। हरिद्वार में पहुंचकर शिव शंकर कहते हैं, प्रिय ये हरिद्वार है, प्रभु हरि का द्वार। माँ गंगा यहाँ उनके चरणों को छूकर जाती है, चलो यहाँ पहले स्नान कर लेते हैं। दोनों स्नान करते हैं। फिर कंधे पर कावड़ लेकर चल देते हैं। स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता भी उन्हें देखने के लिए धरती पर आ जाते हैं। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है तो माता पार्वती कहती है, प्रभु अब तो मैं थक गई, आप कहीं रुकने का इंतजाम कीजिए, अब आगे चला नहीं जा रहा। सामने ये घर है, इसमें जो भी रहता है उससे पूछते हैं कि क्या हमें एक रात रुकने का सहारा मिलेगा। शिव शंकर आवाज मारते हैं और कहते हैं, क्या कोई है इस घर में? हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या हमें एक रात रुकने के लिए मिल जाएगा? अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बुढ़िया होती है, उनके लिए खाना लगा देती है। शिवजी उससे कहते हैं, अम्मा क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? और तुमने तो खाना पहले ही बना कर रखा है, क्या तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं? बेटा आजकल सावन का महीना चल रहा है और यहाँ से कावड़ लेकर बहुत लोग जाते हैं। कभी यहाँ कोई आ जाता है तो मैं कुछ ना कुछ बना कर रखती हूँ, जिससे कोई भूखा ना जाए। शिवजी उसकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठती है तो वह देखती है वह एक बड़े घर में है, जिस घर में जरूरत की सब चीजें हैं। फिर शिवजी और पार्वती आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मंदिर आता है तो माता पार्वती कहती है, प्रभु आपका मंदिर आ गया, आज शिवरात्रि भी है, जल चढ़ाने का शुभ दिन, मैं तो जल चढ़ाने जा रही हूँ। हाँ प्रिय, शिवरात्रि के दिन जो भक्त मेरे शिवलिंग में जल चढ़ाता है, उस पर मेरी बड़ी कृपा होती है।
माता शिवलिंग में जल चढ़ाती है। इस तरह शिव और पार्वती दोनों हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं।